Yes, it's me, RJ Anmol, and sitting in RK Studios, हम इंटरव्यू कर रहे हैं रणधीर कपूर साहब को. जवानी दीवानी फिल्म रिलीज हुई, रिलीज होते ही रेज बनी रही थी कि उतने में एक और फिल्म आपकी विद इन अ वीक रिलीज हुई, रामपुर का लक्ष्मण. क्या टाइम रहा होगा आपके लिए उस वक्त में? मतलब भगवान की देन थी, मेरे भाग्य अच्छे थे, सौभाग्य थे मेरे कि दोनों फिल्में बहुत अच्छी थी और बहुत चली और मुझे बहुत फायदा हुआ उन दोनों पिक्चर से. अच्छा, चलिए हम उनके बारे में बात करते हैं. एक तरफ रणधीर कपूर द हीरो, दूसरी तरफ म्यूजिक आर डी बर्मन, और फिर फिल्म कौन बना रहे हैं? अगेन एक और दोस्त बहल साहब. ये जो दोस्ती थी, क्या ये दोस्ती की वजह से फिल्म में एक अलग फ्लेवर निकल कर आता था, एक अंदाज निकल कर आता था? हो सकता है. मेरे बहुत अजीज मित्र थे, बहुत अच्छे दोस्त थे आर डी बर्मन साहब और रमेश बहल साहब जी, जिनों के साथ मैंने आई थिंक रमेश के साथ में मैंने कुछ 6 या 7 फिल्मों में काम किया है. बिल्कुल. और पंचम के साथ में भी मैंने बहुत काम किया है. और मेरे सौभाग्य थे कि मुझे बहुत अच्छा संगीत उन्होंने दिया, अच्छी फिल्में दी, और मुझे मेरे कैरियर में मैं हमेशा उनका एहसानमंद रहूंगा. आपके फेवरेट डायरेक्टर प्रकाश मेहरा, मनमोहन देसाई, नरेंद्र बेदी, रमेश बहल, अशोक रॉय? मनमोहन देसाई. He made very impossible things possible. आप देखिए, अमर अकबर इंद्री में गाना है, होनी को अनहोनी कर दे, होनी को अनहोनी, एक जगह जब जमा हो तीनों, अमर अकबर एंथनी, और तीनों गेटअप में आए हैं, एक पादरी है, एक और खुद को बोल रहे हैं कि हम अमर अकबर एंथनी बैठे हुए हैं यहाँ. और कोई पहचान नहीं पा रहा है, कोई पहचान नहीं पा रहा है फिर भी. समझिए आप शूट पे पहुंच गए हैं, सेट पे हैं, अमिताभ बच्चन भी शूट पे हैं, वो क्या कर रहे हैं शूट सेट पे, क्या कर रहे हैं? व्हाट इज द सीन ऑन द सेट? नो, अमिताभ बच्चन इज इंटेंस, ही विल नॉट डू एनी कॉमेडी ऑन द सेट. अच्छा, अपना बैठे आउटसाइड, सीरियस. अच्छा, ओके. विनोद खन्ना भी हैं, क्या कर रहे हैं? विनोद खन्ना वो हमारी तरह है, वो कुछ भी करना चाहता. ओके. धर्म जी हैं, क्या कर रहे हैं? अरे, he's a lovable man. चाचा भतीजा है. I still call him चाचा. Oh. Very unselfish actor. He would tell me, ये लाइनें भी तू ही बोल दे यार. मैंने कहा, फिर आके डबिंग करनी पड़ेगी. धर्म जी? Super. अगर मैं फिल्म एक्टर नहीं होता, हाँ, तो होता फिल्म लाइन में ही. Okay. अगर डायरेक्टर नहीं तो प्रोड्यूसर होता, और प्रोड्यूसर नहीं तो स्पॉट बॉय होता. वो होता मैं फिल्म लाइन में ही, क्योंकि मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि भगवान आशीर्वाद देना कि इसी बारात में मैं लगे रहूं. क्या बात है. कि मैं बहुत भाग्यवान हूं कि मैंने राज कपूर परिवार में जन्म लिया, भाग्यवान हूं कि जिन फिल्मों में काम किया तो देखने वालों ने मेरा काम पसंद किया. मैं उन सब का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे काम और काम दिलवाया. सिर्फ यही प्रार्थना है मेरी कि यही आशीर्वाद दें कि जैसे बोला इस बारात में चल रहे हैं, इसी बारात में लगाए रखना है यार. क्या बात है, क्या बात है.